तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, हरियाणा में मशहूर कहावत है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चले। 90 सीटों पर हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों के लोग लुभावन वादे हैं तो आम लोगों के बीच में है कि आम लोग क्या सोचता है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि अब तो बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने भी कहा, तो क्या देख रहे हैं? एक कह रहे हैं कि सभी अग्निवीर को नौकरी देंगे, सभी फसल पर MSP है, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो घोषणा कर रही 6,000 वृद्ध को देंगे, 2,000 महिलाओं के खाते में देंगे, तो कर्नाटक और हिमाचल का हाल देख लीजिए। जहाँ तक बीजेपी के घोषणा पत्र का है तो ये तो पहले भी बीजेपी का घोषणा पत्र था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करें थे, क्या कितना मिल गया? किसानों को MSP देने की बात करें थे, वह मिली। हरियाणा में तो 24 महीनों को बीजेपी सेंटर में सरकार होगी, उसने वादे पूरे कर दिए, क्या विश्वास करें? महंगाई घटाने की बात करें थी, डीजल पेट्रोल के रेट बात करें थी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर डीजल पेट्रोल के रेट कितने कम हो गए, $70 के लगभग आ गया, और जब इनका राज आज 114 थे, आज डीजल पेट्रोल पर पूरा देश लूट कर खा लिया, घटना चाहिए ना रेट। हरियाणा में तो कह रहे हैं कि 1 रुपया 3 रुपया हो गया। की ये बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने जो कुछ कहा था हाड़ है वो लागू कर दिया। हाड़ है चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे पहलवाना का हो, चाहे किसाना का हो, चाहे मजदूरों का हो, जिस भी जनता के हिस्से ने अपनी रोटी रोजी को लेकर आंदोलन करे हैं उसे का लठ मारे, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे मजदूर था, किसान था, पहलवान थे। और यहाँ तो कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, रोजाना कम से कम 20-30 रोज चोरी, और बहुत किसी ने पकड़ के फिरौती मांगे ना देता है ठा ले जा, यो हालत हो रही है यार, और इन पर के विश्वास करें? ये तो नॉन स्टॉप कह रहे हैं कि विकास है हरियाणा में, वैसे कहे जाओ विकास में, क्या का विकास है? स्कूल सारे बंद, 2,500 स्कूल बेच दिए हरियाणा के सरकारी। अब आप को विकास दिखाएं, ये सड़क 10 साल से तोड़ी हुई है, ये वाली जिसके आपके पीछे रही सर्विस रोड 10 साल पहले तोड़ी थी जब बीजेपी का राज आया, ये 10 साल में विकास है, ये बीजेपी का विकास है जो 10 साल में, देखो कितनी चिकनी बना रखी है। तो यहाँ तो खेल खिलाड़ी और किसान दो ही, किसानों को किसान 750 मरे मोदी चुप, लेकिन 24 फसलों पर MSP का MSP किसने दे दिया? संकल्प पत्र ये श्रेणी वो सेंटर है, बस श्रेणी ने कह दिया हमने MSP दे दी, कौन मान जाएगा? 500 में सिलेंडर गरीब परिवार को, 10 साल एक मिनट है, 10 साल इनका राज रहा, 1200 रुपये सिलेंडर लिया है, कहाँ सो रहे थे? अब इनको पता है तुम्हारा राज जा रहा है, झूठे जुमले मोदी के बीजेपी के झूठे जुमले चल रहे हैं सब। अरे वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जुमला दे रही है कि कहां से पैसा, वो तो क्या पता नहीं, हम उसकी मानते हैं नहीं, वो कह रही है वो बात सच। खट्टर ने 9.5 साल इस हरियाणा का जो सत्यानाश कराया शायद ही को करेगा, भाईचारा खराब कर दिया, जाति पाति में भेद कर दिया। तो उस 36 बिरादरी का भी उन्होंने कहा कि हम अलग अलग, ऐसे मेरे भैया ये इलेक्शन का जुमला है, असल तो ही आते नहीं, गलती से किसी ने गलती तो आगे ना हरियाणा को तो तबाह कर देंगे ये। अरे आज आप ही के शहर रोहतक से घोषणा, हमारे शहर में आओगे और कहाँ जाएंगे? रोहतक का ही रहे है और कहीं नहीं है, ये सीवर 2 साल हो गए फटे पड़े हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, देख लो विकास हो रहा है बीजेपी का बहुत बढ़िया। नौ साल में ये फ्लाई ओवर कूट जाओ राइट हाथ में IMT है, 9 साल में रोड बने, 9 साल में अभी भी बढ़िया नहीं बना है, अभी भी ऊंचा खाते। तो कांग्रेस का भी तो घोषणा पत्र लोग कह रहे हैं कि छलावा है, रोज तक में भी बीजेपी के सवाय कोई नहीं कर रहा, आम लोग बताइए। नहीं नहीं, हम आम लोग हैं, साहब एक सर्विस मैन बैठे हैं यहाँ जितने भी हैं, इन ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग, हमारी पेंशन है, इनकी तो पेंशन है, जो आज नए बच्चे हैं जिनका जीवन ये बर्बाद करने लग रहे हैं, UPSC दे दिया कौन मांग रहा है उसको, जबरदस्ती जैसे किसान ना कहे 3 कानून जबरदस्ती थोपे देना, ऐसे UPS थोप दिया, OPS मांग रहे, OPS दे दो,
क्या दिक्कत है? वो तो कह रही है कि कांग्रेस कह रही है देने के लिए, लेकिन देगी कहां से? एक बात मैं आपको भी बताऊं, आप भी यहीं घुमाने की कोशिश कर रहे हो। जो जनता के सही मुद्दे हैं, तीन कृषि कानून आए थे, जनता ने विरोध कराया, उसकी जगह दो कानून और भी आए थे, श्रम कानून, आप उस पर कदे नहीं बोलते, आप भी नहीं बोलते। सरकारी जो कर्मचारी था 44 ऐसे अधिकार थे जो उसकी सुरक्षा की गारंटी देते थे, कुल 4 छोड़ दिए। आप उस जो श्रम कानून में परिवर्तन कर, नई शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया, जिससे बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगी। 2500 स्कूल बेच दिए हरियाणा में, और यह कर दिया प्राइवेट सरकारी स्कूल में आपका बच्चा जागा तो उसकी 500 रुपये फीस लग गई, प्राइवेट में जागा तो 500 सरकार देगी। अब तो कर रहा बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के नौकरी भी तो आप मतलब इसके बारे में, शिक्षा के बारे में वह के कहे हैं? हमने जो आपको बिना खर्ची पर्ची सह नहीं नौकरी ना, हरियाणा में 3 डाल की नौकरी कर दी और परमानेंट इलाज कर दिया, आगे तो कचिए होगी। इस बाबत कितना बोलते कौशल रोजगार के नाम पर, आप भी नहीं करते इन बातों ने। आप तो मारे तो ज्यादा बेरा पढ़े लिखे हो, कोर्स करे हो। हम वोटर नहीं, हम तो दिल्ली से आए हैं, हरियाणा के लोगों के बीच में। 5 तारीख को वोट देना आपको है, तो मैं बताओ कि मैं देना है। मैं तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर, अग्निवीर पर, किसान के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ जो जाति हो रही है उसके मुद्दे पर, गरीब आदमी को दिहाड़ी नहीं मिल रही, ये क्या नाम है, एक मनरेगा का चल जाता वो बंदा कर दिया, गांव गरीब आदमी रोजगार मिल जा, इन मुद्दों पर आप भी चर्चा नहीं करना चाहते। जनता को वो घुमाए हो, जनता की तो ये है जरूरत की चीज, बोलते नहीं। बजट घटा दिया, इनका बजट है मनरेगा का बजट घटा दिया, शिक्षा का बजट घटा दिया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, इसका कृषि का बजट घटा दिया। जो बजट है उनका ना होगा तो मारे न्यू दे देंगे, न्यू दे देंगे। कैसे कह रहे हैं कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था? ऐसे कहे तो होगी दुनिया अर्थव्यवस्था का मतलब जो है रहने वाले लोग, देश, इस देश में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर सुधरिया है, बिगड़ा है, बिगड़ा है इन 10 साल में। बीजेपी का घोषणा पत्र आपने देखा है? हाँ, थोड़ा हम मोटा मोटा देखा था। अच्छा, उसमें हम लोग ये बता दे रहे हैं कि मोटे तौर पर जो है कि अग्निवीर को सरकारी नौकरी है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र है। जैसे कांग्रेस ने कहा कि वृद्धाओं को, वृद्ध को जो है 6,000 देंगे, 2,000 महिलाओं को देंगे। सबसे पहले तो ओपीएस पे आते हैं, क्या लगता है आपको ओपीएस में ये बीजेपी करेगी कुछ? ओल्ड पेंशन स्कीम उनके नहीं करेगी, वो करिए 36 बिरादरी जो हरियाणा का है। हम तो हरियाणा के विधानसभा पर और उसके मैनिफेस्टो पर बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज तक आप ये बताओ, क्या बीजेपी ने मंदिरों से सिवा पूरे हरियाणा के अंदर कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई है? नहीं, तो कह रहे पहले 7 था, 14 हो गया। यूनिवर्सिटी जो अगर बनी है तो वो कांग्रेस राज में हुड्डा साहब की सरकार में बनी है। एकदम लोग सोनीपत गए थे, जो साई था, स्पोर्ट्स स्कूल था, उसको यूनिवर्सिटी बना दिया। नहीं नहीं, वो बीजेपी ने बनाया, वो कांग्रेस सरकार ने बनाई है, हुड्डा साहब ने बनाई थी। स्पोर्ट्स राइज स्कूल था वो, उसको यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई थी। बीजेपी के 10 साल में, 10 साल के शासन में सर, 10 साल के साथ 10 साल के शासन में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है, एजुकेशन में कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया, स्कूल बंद हुए हैं, बने नहीं हैं। हाँ, ये सच्चाई है। और हम पढ़े लिखे आदमी हैं ना, तो एजुकेशन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया है, हुड्डा की सरकार ने रोजगार दिया है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो कांग्रेस घोषणा पत्र लाई है, तो वो जो अलग अलग पैसे की बात हो रही है कि हर एक महिलाओं के खाते में 2,000 रुपये देंगे हम, जितने 60 साल से ऊपर के वृद्ध हैं उनके खाते में 6,000, तो एक घर में सपोज करिए आपके माता पिता 60 से ऊपर हैं तो 6×12,000, आपकी पत्नी 2,000, 14,000 प्लस में केंद्र सरकार का 5-5 किलो अनाज, तो फिर लोग काम कैसे करेंगे? लोग कह रहे हैं हिमाचल और कर्नाटक का, पूछिए लोगों से। नहीं, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है और बीजेपी का है, मैं बीजेपी और कांग्रेस पे जाना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ एजुकेशन पे बात करता हूँ कि क्या बीजेपी ने, पूरे इंडिया की बात करता हूँ, हरियाणा को छोड़िए, पूरे इंडिया की बात करता हूँ, पूरे इंडिया में मतलब एजुकेशन पे कोई ध्यान दिया है? एजुकेशन का बजट बढ़ाया है, पहले से कम कर दिया है एजुकेशन का बजट, जॉब के लिए है। आज युवा जो है वो पूरा हरियाणा का युवा बेरोजगार है, इन्होंने वो चला दिए कि प्राइवेट उसमें लगा दिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाई इन्होंने। और आर्मी का एक
आर्मी पर्सन है, रिटायरमेंट हो के आता है, सारी उम्र वो बुढ़ापे में बैठ के पेंशन उसको मिले वो भी खत्म कर दी, सिर्फ चार साल की जॉब, चार साल की जॉब में क्या बनेगा, वो ना उधर के रहेगा ना उधर। बजट के हिसाब से तो होता है। आप क्या करते हैं सर? मेरा सर्विस स्टेशन सर, वॉशिंग का काम। अच्छा, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आदमी का जितना बजट होता है उतना खर्च करता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करेगी। कांग्रेस जो बार बार घोषणा पत्र जारी करी हरियाणा के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? लोग ये कर रहे हैं हिमाचल कर्नाटक का देख लीजिए, तो हरियाणा चल में तो प्राकृतिक आपदा के कारण होगा ना सर, यहाँ तो एक तरफा कांग्रेस आएगी। अब की बार एक बात था, जाट आरक्षण हुआ उसका मैं खुद गवाह हूँ। मेरे पास चार साल के बाद नोटिस आया था आरक्षण का, और सुखपुरा चौक थाने में केस था मेरा, ये बोला था अभी मनु ने पूरी पंचायत में, अब भाई आरक्षण का हमने उठा दिया, हाथ जोड़ के इसके भाई ने, फिर वो कहाँ से आ गया? इन्होंने जात पात के सिवा और कुछ काम नहीं किया, भट्ठा बटा दिया इन्होंने हरियाणा का। हरियाणा में और इतनी बेरोजगारी जितनी यहाँ है ना, आप कहीं जाके देख लेना, इन्हें अपना अपना भरा है, क्या किया है बताओ आप? कोई भी काम हो कहाँ से पाई आप दिखा दो मेरे को। ये बोलते हैं भाई स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ इंडिया, कहाँ है सफाई? ये सड़क देख लो सर, पीछे एक बार कैमरा में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये सड़क देखो, ये 10 साल से बेरोजगारी, सब कुछ यहाँ भ्रष्टाचार। हर सरकारी नौकरियों के लिए तो यहाँ लोग कर रहा, सरकारी सर्विसमैन के लिए हरियाणा ठीक है? सरकारी सरकारी नौकरी वालों के लिए नहीं, नौकरी भाई साहब बहुत कम नहीं है। हरियाणा हरियाणा जाना जावा फौजी खातर, और फौजी की भर्ती बंद हो चुकी है, गेले 10 साल में कोई भर्ती नहीं हुई, जो भर्ती हुए हैं वो अग्निवीर हुए भाई साहब। अग्निवीर में भी तो अब है कि सरकारी नौकरी देगी सरकार। करेंगे क्या सिक्योरिटी काम करेंगे आने के बाद? 25 लाख दे देंगे मान लो आप, 1% 25 लाख दे दी नौकरी। सुनो मान लो अब भाई रिटायरमेंट हो गया अग्निवीर, उसके बाद क्या करेगा? इनकी सिक्योरिटी करेंगे अडानी के उस पर, और क्या करेंगे आप बताओ? अगर भाई रोजगार देना होता ही नहीं तो फिर रोजगार देते नहीं है परमानेंट। हरियाणा से लड़की रोजगार की बात करेगी, जो एजुकेशन की बात करेगी उसके साथ रहेंगे। 60 लाख का हो रहा है यहाँ पे, 25 लाख में क्या होगा बताओ? रहने का घर भी नहीं मिला। हम लोग तो सर इसलिए आए थे आपके शहर में, नहीं आप बैठने के लिए नहीं आए, नहीं बात कर लेंगे हम लोग। हम लोग तो इसलिए पूछ रहे हैं सर कि बीजेपी ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें उसने दो चीज़ें कही, एक तो कहा कि जो जो योजना है अग्निवीर है, फसलों पर MSP है, तो वो कह रहा है कि हम लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेते पाँव पसारिए जेती जितनी सौर, ये कि जितना आप ही पसारिए, क्योंकि आप हर घर में 60 साल के ऊपर को आप 6-6 हज़ार रुपया देने की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार महिलाओं के खाते में देने की बात कर रहे हैं, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? हिमाचल और कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए कैसे उन लोगों ने क्या राज्य का हाल कर दिया है। ऐसा है, सारा डिपेंड करता है हाउ यू मैनेज द स्टेट, स्टेट को आप कैसे मैनेज करते हैं, उसके फाइनेंसिस को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि बहुत सी जगह के ऊपर पैसा अननेसेसरीली खर्च होता है, उसको कटेल किया जा सकता है, उसके कटेल करके उसको इन लोग स्कीमों में लगाएं। बाकी का ये तो हुड्डा साहब बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई 6,000 रुपये देंगे, और उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि बगैर कैलकुलेशन वो हवा में बात नहीं करते, जो उन्होंने अनाउंस किया तो वो देंगे। नहीं, लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ का बजट है हरियाणा गवर्नमेंट का, 1,55,000 का, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके पास बजट का एलोकेशन क्या है? ये वक्त तो बताएगा अभी काहे को उस पर वो करें। और बीजेपी ने जो सर घोषणा पत्र जारी किया है, 24 फसलों पर MSP, अग्निवीर को सरकारी नौकरी। MSP असल में स्टेट की कैसे मैटर करती है? MSP तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट की MSP का क्या मतलब है? कैसे लेंगे? जो भी एजेंसीज हैं वो स्टेट कैसे पेमेंट करेगी उसके, जबकि सेंटर से पैसा नहीं मिलेगा? तो या तो वो थ्रू आउट द कंट्री एक जैसा MSP तो एक होती है, ये थोड़ी क्या स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। अच्छा, इसीलिए उनके कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर मुहर लगा दी। अब वो ठीक, वो उसके लिए हम एग्री करते हैं, बेशक पार्टी को पसंद आए ना आए ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अननेसेसरली हर साल कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, काम नहीं हो पाते, 1.5-2 महीना गुजर जाता है उसी में, पॉलिटिकल पार्टियां उसी में फंसी रहती हैं, कैंपेनिंग के लिए लीडर जाते रहते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, पहले होते ही थे।
पहले तो अब सर इस घोषणा पत्र दोनों का, कांग्रेस और बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, तो शहर में आप लोगों के पास हम लोग इसलिए आए कि आमतौर पर शहरी जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं। नहीं, ये हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, इस शहर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस जीती थी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो डिपेंड करता है, अब जैसे कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है मोस्ट करप्ट तानाशाह, मतलब उससे बड़ा लुटेरा कोई हो नहीं सकता। खट्टर चीफ मिनिस्टर ने जो सत्यानाश हरियाणा का किया है 10 साल, हमारे समझ नहीं आता कि मोदी साहब को क्या घूंट पिला रखी इसने जो उनको रखा हुआ है। पहले 5 साल के बाद में अटाना रिप्लेस करना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल का नॉन स्टॉप हम विकास आगे बढ़ाएंगे। कहने को तो देखो अब ऐसा है कि पीछे मोदी की रैली के अंदर इसका कहीं जिक्र नहीं था, ना ये गया, ना इसका किसी ने नाम लिया, ना किसी पोस्टर होर्डिंग पे इसका फोटो था खट्टर का। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर खट्टर साहब पोस्टर में आ गए। नहीं, इनमें आ गए, मैं तो मोदी की रैली की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में अपने वादे के मुताबिक वोट मांग रहे तमाम राजनीतिक पार्टियां और हरियाणा के आम लोगों के बीच में हैं, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, कांग्रेस की गारंटी है कि अगर आपकी 60 साल ताऊ बैठे हुए हैं तो 6,000 मिलेगा, महिला हैं तो 2,000 रुपया मिलेगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पैसा होगा तब तो दोगे आप कांग्रेस को। हिमाचल और कर्नाटक का हाल देखो, और यहाँ अग्निवीर के लिए कह रहा है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। बकवास करें, जो पहले के फौजी आ रहे उनको दे दिया पूरा आरक्षण, दो उनका भी जो पहले रिटायरमेंट होगा लिए उनको नौकरी दे दी। अलग अलग जिला के लिए अलग अलग घोषणा, नहीं बकवासबाजी करते हैं। के लिए अलग, सोनीपत के लिए अलग, झज्जर के लिए अलग। ये 10 साल थी, न करे क्यों ना दिया, अब 10 साल ये तो थे, अभी आ गए कह रहे हम न्यू कराएंगे, इन्हें पहले क्यों कर दिया, मुद्दा ही नहीं छोड़ना बस है क्या क्या जो मौके पे थे अभी करना चाहिए था। दूसरे ने बोलने का मौका ही नहीं रहा है बस। कांग्रेस के में कहे जाओ, इधर उतना दूर कहाँ से बोल रहे हो, क्या कांग्रेस कुछ भी बांटे जाती। 10 साल की सरकार रहेगी, इन ऐसा काम क्यों ना कर, इन न करने बाजे रहे हैं। अच्छा, काम तो करिया ही नहीं, तो करा नॉन स्टॉप विकास का काम। हां कहां विकास करें, क्या नॉन स्टॉप वाला विकास नहीं हुआ, विकास होता कौन। अच्छा, बहुत तकलीफ में हर आदमी, हर एक आदमी तकलीफ में है इस सरकार से। बीजेपी का वादा अच्छा है कि कांग्रेस का वादा अच्छा है, मारे विचार में देखो ये है बिना किसी का नहीं, सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। अरे तब तो ताऊ 5 तारीख को वोटिंग है, किसी के तो वादे पर वोट दोगे कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। वोट तो भाई दे देंगे कांग्रेस की। अच्छा, तो ये 10 साल बीजेपी का सरकार कैसा काम किया आप लोगों के लिए? काम दस जिसा कराया है ठीक कराया है, कमल कराया क्या है ठीक किया है, आप बताओ ताऊ। महाराज बाइक फुल्या लांद है, मारे ऑर्डर ने यो खत्म हो जाना तो बहुत फूट गया, हम तो चंदते नहीं, हम नहीं चंदते बस। अरे अब कांग्रेस की आएगी सरकार तो करे कि 6,000 रुपये देंगे, कांग्रेस ने गलत देगा करवा लिया, कांग्रेस पहले माई रही है और चकमा काम करे और चकमा नौकरी जी इन्हें के कर दिया, ये फलानी चीज ये कागज हमारी चीज ये कागज वो उन कागजाएं मौत जाए रहा 10 साल हो गए वह कागज बेबिया उठाओगे। आप लोग बताओ भाई साहब, भाई जो भी पार्टी है सब अपने अपने हित की सोच है, पब्लिक की नहीं सोचता कोई भी, ना कोई ना सोचता किसी की भी, सब अपना अपना बन की सोचते हैं, सब अपना कर रहे हैं, कोई किसी का काम ना आता भाई रे, इतने ना से इतना हाथ जोड़े से बाद में दिखाई भी ना देते, पब्लिक तो वोट देती है ना, तो पब्लिक तो भाई वोट तो देनी पड़े है, वोट तो कहे है वोट तो देनी पड़ेगी। अच्छा, तो पब्लिक का भरोसा किसके ऊपर, बदलाव भी जरूरी है, हर 5 साल में बदलाव भी होना जरूरी हो है, ये नहीं है कि एक के पार्टी एक अनुसन चलाएगा, बदलाव भी जरूरी होता है। अब की बार तीसरी बार का नारा भाई महाराज अड़ कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का देनी है अड़ ये बनो चाहे कोई भी। अच्छा, आप बता दो बीजेपी सरकार में कोई सामूहिक दफ्तर कोई मतलब
सामूहिक काम नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में नहीं हुआ ना, कांग्रेस सरकार में बहुत दफ्तर वगैरह यहाँ हुए हैं, जिन गेकर कमालो द्वारा पत्थर लग रहे हैं। इसके कितने पत्थर लग रहे हैं बीजेपी के? आप क्या करते हो? मेरी पॉलिटिक्स में कोई राय नहीं। अरे यार क्या करते हो, कौन सी क्लास में? बीए में हो? हाँ, सेकंड ईयर चल रहा है। किस चीज की तैयारी करते हो? अभी तो एचएससी की कर रहे हैं, एचएससी की चल रही है। हम तो पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी कैसा काम की 5 साल के लिए, फिर वो रोड मैप के लिए। हमारा तो कुछ करा नहीं भाई। नहीं, जब आप छोटे थे तब कांग्रेस की सरकार होती। हाँ। आपके घर में बीजेपी के ज्यादा समर्थक हैं कि कांग्रेस? हमारे तो सारे समर्थन कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के पूरे काम में कांग्रेस के हैं। हाँ भाई, मैं करूँगा बीजेपी सरकार 10 साल हो गए, मेरी उम्र कितनी होगी, मेरी 8% नहीं करी, 5,000 रुपये मांगे हैं, जब 3% करवाएंगे मैं खुली कहूँगा। हाँ देख, मेरी उम्र कितनी होगी? होगी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 तो ऊपर गई। तो 60 से ऊपर कांग्रेस कह रही है कि 6,000 रुपये देंगे के? बीजेपी वाला ने पोल्यूशन तो नहीं करी, 5,000 रुपये मांगे, मेरे दो रोड़ा में गया हूँ, 5,000 रुपये लगेंगे तब 3% करवा जाएंगे। तब तो करिए कि 3 गुना 1,000 से 3,000 कर दिया पेंशन हो, ये नहीं बताई, पेंशन ही नहीं मिला नहीं। बीजेपी कह रही है कि हम बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत को नौकरी दी फ्री, कोई पैसा नहीं कितना भी ना जानते उन को। अरे इसके में भूपी तड़का जी हो, ये दौड़े कुर्ते वाले हैं, ये बैठा या क्या पाऊंगे? अच्छा, हाँ मारे ना लगे फिर। बीजेपी की सरकार अच्छा काम? बिल्कुल एक नंबर। तीसरी बार आएगी बीजेपी? भगवान मारे तो मारे लिखे दाओगी, आएगी मारे लिखे दाओगी। आधा लोग तो यहाँ सब कांग्रेसी बैठे, ये सारे कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी वाले कम दिख रहे हैं। भाई मेरी सोने, मन ना तो चीज फार्म भरे है, उड़े पीछे आए हैं खाते में, चाहे ओड़े गए चाहे सूखे गए, कहेंगे ये नट्टो इनके नहीं आ रहे होंगे मेरे के नट्टो, ये आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, इनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सब, क्या रहे हैं? अच्छा, तभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। समझा यार, जो सूखा होया ओड़े पड़े कुछ भी होया मारे खाते में कट बोल रहे हम बाबा ने, मेरा रिश्तेदार इनका रिश्तेदार अफसर था, उसका रिश्तेदार अफसर था, किसी और दुगेगा भला उन्हें? बकवाद करे यार, सबके पीछे आ लिए भाई, सब कहेंगे रुपया हो हड़, बीजेपी के समर्थक लेकिन हम बीजेपी की वोट देंगे। हम तो ना खट्टर जानते ना सैनी ने जानते ना हमने जरूरत है धन क्या, और बढ़िया सरकार चला रहे हैं, कोई चौधरी नहीं है उस सरकार में, इस सरकार में कोई चौधरी नहीं है। तड़का वहां आ जाओ, इस भाई का टट्टा नहीं गा जो आज किस है चंडीगढ़ उड़ा गुड़ खा गए बैठ के। चलो ठीक है, आप लोग भाई साहब आप यहीं से हो आप? हाँ, अरे छोड़ो यार, ठीक है तो ये, अरे आप लोग झगड़ा झगड़ा मत करो यार आप लोग। चलो मेरा मित्र क्यों ना आया हमने, मेरा और की जगह ला क्या, सब क्या रहे आ रहे हैं भाई, जाओ ना 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 बिल्कुल नहीं भाई। चलिए तो देखिए आम लोग क्या सोच रहे हैं, दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, 5 अक्टूबर को हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान है, 8 अक्टूबर को मतगणना है, किनके वादों में कितना दम है और किनके वादों की दलीलों पर जनता कितना एतवार करती है, 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब हरियाणा की जनता और पूरे देश को इस बात का पता चलेगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।